गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैड स्टार्टेड लेसन 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट राइट इन योर साइंस टेक्स्ट बुक. नाउ लेट अस मूव फर्दर इन इट. क्लाइमेट 7.2 क्लाइमेट. मीटरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास सेवरल डिकेड्स. डिकेड्स मतलब 10 ईयर्स. पास सेवरल डिकेड्स, 10 ईयर्स के डिकेड्स के रिकॉर्ड्स भी रखे जाते हैं. These help us to determine the weather pattern at a place, right? वो help करते हैं एक जगह का weather pattern को determine करने में. The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place, right? The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, average 25 years का जो जितना भी जो weather condition रहा है उस particular जगह का, that is called the climate of that place, right? So underline this. The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, example 25 years bhi likh sakte ho, is called the climate of that place. If we find that the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of the place, of that place is hot, right? अगर ज़्यादा रहता है उधर का temperature, तो हम लोग overall average निकाल के बोलते हैं कि ये जगह का temperature is average hot, right? If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climate of that place is not wet, hot and wet. It is hot and wet, right? If there is ऑल्सो हैवी रेनफॉल, अगर उस जगह में हैवी रेनफॉल हो रहा है तो उधर का क्लाइमेट हम लोग क्या बोलेंगे, हॉट एंड वेट बोलेंगे. इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन एट टू प्लेसेस इन इंडिया. द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन टू स्टेप्स. फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ. सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स, राइट? हम लोग ऐसा एवरेज टेम्परेचर काफ़ी साल का निकालते हैं. दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर. द टू प्लेसेज आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला, राइट? श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर इज द कैपिटल सिटी, राइट? एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला. ये दोनों का एवरेज टेम्परेचर दिया है. जैन में कितना था डेली मिनिमम टेम्परेचर, -2.3, डेली मैक्सिमम इज 4.7, राइट? एंड मिनिमम रेनफॉल, मीन टोटल रेनफॉल इज 57. सो जैन, फेब, मार्च पूरे साल का दिया हुआ है अप टू दिसंबर. सेम इज द केस गिवन हियर फॉर तिरुवनंतपुरम केरला. अब यहाँ के टेम्परेचर ज़्यादा है. देखो यहाँ पे डेली टेम्परेचर मिनिमम 22 डिग्रीज रह रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम इज 31 डिग्रीज एंड टोटल रेनफॉल इज 23. वेर एज इधर क्या है, जनवरी का टेम्परेचर इज डेली -2.3 एंड मैक्सिमम इज 4.7 एंड एवरेज रेनफॉल इज 57. सो ओवरऑल इधर का टेम्परेचर देखो 22 से 22 के बीच में ही रहा है, 23-24 होकर के फ्लक्चुएट होके इतना रहता है. डेली उसका मैक्सिमम टेम्परेचर भी 30-31 के बीच में रहता है, 29-30-31, राइट? देन मीन रेनफॉल इज फ्रॉम 23-66, बीच में 100 भी गया, 200 भी गया, 300 भी गया, राइट? दैट वे इट इज इंक्रीजिंग. सो दिस तिरुवनंतपुरम वी कैन से इट इज हॉट एंड वेट, मतलब बारिश भी वहाँ ज़्यादा होती है, गर्मी भी वहाँ ज़्यादा है, राइट? एंड दिस वन इज कोल्ड, राइट? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम ही है, मोस्टली कम रहा है, माइनस में जाता है कभी कभी, बट 29-30 से ऊपर बहुत रेयरली जुलाई में ही गया है, राइट? एंड टोटल मीन रेनफॉल इज अराउंड 40-50 एवरेज रेनफॉल. कभी मार्च में 99 भी चला गया है, राइट? So that is giving you an overall idea of the place of that climate, right? Okay. So now then, by looking at the table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year. Similar data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year. ज़्यादा ही रहता है राजस्थान में, इसलिए गर्मी होती है.
ठंडी में बहुत कम हो जाता है तो ज़्यादा ठंडी भी होती है। बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो, मतलब एकदम ठंडा हो जाता है बिकॉज इट्स डेजर्ट, तो वो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है उधर। एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम हीट भी होता है और एक्सट्रीम कोल्ड भी होता है, दोनों सीजन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये होता है, और बारिश ज़्यादातर होती नहीं है, बारिश बहुत कम होती है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, ये टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है, इट इज़ हॉट एंड ड्राई, राइट। जहाँ पे बारिश कम होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, ठंडी भी ज़्यादा होती है, तो वो क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देयर फोर वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट, राइट। क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेस्ट वेट, वेट यानी गीला होता है, ज़्यादातर वहाँ पे रेनफॉल होता रहता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अंडरलाइन दिस पॉइंट, क्लाइमेट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम से, तो वो लोग उसके हिसाब से अपने बॉडी को चेंज करते रहते हैं। कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी बेयर करने के लिए उनकी बॉडी अडेप्टेड होती है। सेम वे कुछ जो ज़्यादा रेनफॉल वाले एरिया में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उनके बॉडी के बॉडी भी उनका ट्यून हुआ होता है ज़्यादा बारिश के लिए, सो देयर बॉडी इज़ अडेप्टेड टू दैट क्लाइमेट। सो लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ अडेप्टेशन एनिमल्स कैन हैव। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। Recall from chapter 9 of your class 6th science book the definition of adaptation, features and habits that help animals to adapt to their surroundings are result of the process of evolution, right? Evolution मतलब धीरे धीरे change आता है। एक atmosphere में एक animal रहता है, अब उस atmosphere के हिसाब से उसका body adjust करने लगता है, right, and that brings a change in its body in some way, that is called evolution, and adaptation is वो जो body body को used to बना देता है surroundings के climate के साथ, उसको it is called adaptations। जैसे for example ये ले लो आप अपना कैमेलियन, कैमेलियन यानी जो गार्डन लिजर्ड होती है, वो अगर वुड के ऊपर ऐसा किसी ट्री के ऊपर बैठी हुई होती है तो ट्री का वुड का कलर ले लेती है, इट चेंजेस कलर, राइट, गिरगिट जिसको बोलते हैं, तो इट चेंजेस कलर, राइट। फिर अगर वो लीफ पे जाके बैठेगी तो वो लीफ का कलर ले लेगी, इट टेक्स ग्रीन कलर, सो दैट इज़ एन एडेप्टेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैमोफ्लेज, वो उसको प्रोटेक्ट करता है एनिमीज से, राइट। सो ऐसे अडेप्ट हो जाते हैं। कुछ जो फ्रॉग्स होते हैं वो समर सीजन में क्या होते हैं, हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेट मतलब दे गो इनटू द सॉइल, वो अंदर पिट्स में अंदर जाकर के बैठ जाते हैं, अपने आप को सॉइल से कवर कर लेते हैं, और अंदर सॉइल की जो ठंडक होती है उसमें वो रहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर स्लीप। वो सॉरी विंटर्स में वो लोग सो जाते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर स्लीप। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, राइट। सो लेट अस रीड फर्दर साइंस बुक ऑफ योर साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन फीचर्स एंड हैबिट। ओके, इवोल्यूशन तक हो गया। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। इन क्लास 6th यू विल रीड, यू हैव रेड अबाउट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टन हैबिटेट्स एज एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। We discuss only animals living in polar regions and tropical rainforest. Polar regions में polar bears रहते हैं, right? वो polar bear कैसे जी सकता है इतने extreme cold में? क्यों extreme cold में वो रहता है? Because उसके body के ऊपर एक thick layer होता है fur का, white color का fur होता है। वो ऊपर एक layer होता है, अंदर से और दो layer होते हैं उसको, और स्किन भी उसकी एकदम मोटी होती है ताकि उसकी बॉडी जो है वो हीट अपने बॉडी का प्रिजर्व कर सके, उसको ज़्यादा ठंड ना लगे, इसलिए पोलर बेयर्स इतने कोल्ड एरिया में रह सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ एन अडेप्टेशन विच द पोलर बेयर्स बॉडी हैज़ टू बेयर द एक्सट्रीम कोल्ड इन विच इट लिव्स, राइट। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, राइट।
दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. वहां पे क्या है, बर्फ है. आर्कटिक सर्कल आता है आप लोग का एसएस में अगर पढ़ा है तो. सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया. एक्टिविटी 7.2, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, मार्क द पोलर रीजन्स इन ब्लू, सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन्स इन रेड. द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, राइट. These regions are covered with snow and it is very cold for most part in the year. For 6 months, the sun does not set at the poles, right? The sun does not set. मतलब 6 months का दिन होता है, 6 months का रात होता है poles पे, right? Because the earth is tilted, slightly टेढ़ी है और ऐसे घूमती है, तो वहाँ पे जहाँ पे sun होता है उधर sun ही दिखता है 6 महीने तक, और फिर रात होती है तो रात ही रहती है, sun नहीं दिखता है 6 महीने तक, राइट. सो दैट इज द रीजन. फिर वहां पे इसलिए कोल्ड होता है. दीज रीजन आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. फॉर 6 मंथ्स द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल द अदर 6 मंथ्स द सन डज नॉट राइज. इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस. एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशंस. Let us see how they are adapted in by considering the examples of polar bears and penguins. Polar bears का मैंने बताया, उसको एकदम thick fur होता है और उसका skin भी जो होता है वो double layered होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो अंदर का heat बाहर जाने नहीं देता है, it traps the heat inside. And because of this, the polar bear can survive in extreme cold conditions. Polar bears have white fur also that they are not easily visible in the snow. White background. It protects them from their predators. Polar bear का generally तो कोई predator होता नहीं है because polar bears are huge, बहुत बड़े होते हैं, but फिर भी वो उसको white color protect करता है. It also helps them in catching their prey. To protect them from extreme cold, they have 2 thick layers of fur. Very underline this. To protect them from extreme cold, they have 2 thick layers of fur. They also have a layer of fat under the skin. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. वो इतने अंदर से उनकी बॉडी का वो जो लेयर होता है वो इतना थिक होता है कि उनको धीरे धीरे चलना पड़ता है. अगर ज़्यादा जोर से चलेंगे और दौड़ेंगे तो उनकी बॉडी है ना जल्दी हीटअप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है उनको फिर तकलीफ हो सकती है, राइट. बिकॉज बहुत हीट जनरेट हो जाती है उनकी बॉडी में एकदम. इसके लिए उनको थोड़ी थोड़ी देर में ही रुकते रुकते चलना पड़ता है. फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग. थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी जब गर्म दिन में करेंगे, जब दिन होगा गर्मी होगी तब करेंगे, तो वो थोड़ा कूलिंग देता है उनको. सो द पोलर बेयर गोज फॉर स्विमिंग. वो स्विम करेगा पानी में, ठंडे बर्फ के पानी में, तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. इट इज अ गुड स्विमर. इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो. वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस. अपना नाक बंद करके पानी के नीचे काफी देर तक वो जिंदा रह सकता है. इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे. सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा होता है ताकि वो अपना शिकार पकड़ सके. कैच इट्स प्रे फॉर फूड. वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बेयर्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शोन इन फिगर 7.3. दिस इज द डायग्राम ऑफ अ पोलर बेयर, राइट. नाउ द फर, द वाइट फर इज नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. वो आप देख रहे हो वाइट बैकग्राउंड में वो छुप जाता है. इट हैज़ अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल. उसका सेंस ऑफ स्मेल जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है. इट हेल्प्स द बेयर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे. वो उसको हेल्प करता है उसका शिकार ढूंढने में. इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज. ऐसे क्लॉज उसके मुड़े हुए होते हैं, नाखून ऐसे मुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से इट कैन कैच इट्स प्रे वेरी इजिली. फिश पकड़ के खाता है जनरली ये.
लॉन्ग कर्ड, दीज हेल्प्स इट टू वॉक ऑन आइस. हाँ, वो उसको आइस पे चलने के लिए भी हेल्प करता है. इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन. द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वॉर्म. देन इट हैज़ टू थिक लेयर्स फॉर फर, ऑफ फर, राइट. दीज कीप इट वॉर्म इन कोल्ड वेदर. एंड ये वाला वाइट फर इज नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. वो क्या करता है, इट्स प्रिडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट बिकॉज ऑफ दिस वाइट बॉडी. इट्स प्रिडेटर्स आर अनेबल टू सी इट, राइट. देन फर्दर 7 points वी कैन अंडरस्टैंड. ओके, फ्लो चार्ट हो गया. ये फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट मतलब एक डायग्राम जिसके आजू बाजू ये मतलब फ्लो बताता है कि कैसे प्रोसेस जाता है. अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन. हियर द डायग्राम, द पिक्चर ऑफ अ पेंगुइन इज गिवन. पेंगुइन्स हडल टूगेदर. हडलिंग मतलब क्या होता है, दो पेंगुइन्स एक दूसरे को ऐसे चिपक चिपक के बैठते हैं. क्यों? ताकि वो एक दूसरे को हीट दे सके, गर्मी दे सके. उनका बॉडी में भी स्किन इज़ वेरी थिकर, बट वो ज़्यादातर ऐसे बैठते हैं. उनके अंडे भी वो दो पाँव के नीचे यहाँ पे ऐसे नीचे दबा के बैठते हैं ताकि क्या हो सके, उनके पेट का हीट मिल सके. एंड दे जनरली कडल टूगेदर. कडल मतलब उसको हडलिंग बोलते हैं, जो पेंगुइन्स एक साथ ऐसे ग्रुप में बैठे रहते हैं ना, एक दूसरे को चिपक के लिपट के, दैट इज़ कॉल्ड हडलिंग टूगेदर, राइट. ओके, सो वॉट इज इट सेड, it is also white and merges well with the white background. It also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold. You may have seen pictures of penguins huddled together. Huddled together matlab aise chipak ke baithe hue hote, that is huddling. This they do to keep warm. Recall how warm you feel when you are in a हॉल फुल ऑफ पीपल. जब किसी एक हॉल में अगर आप बैठे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, राइट. बिकॉज आपका बॉडी हीट, काफ़ी सारे लोगों का बॉडी हीट जो है वो उधर ये होता है, डिसिपेट होता है. दैट इज़ वाई दे हडल टुगेदर टू गिव ईच अदर हीट. लाइक पोलर बेयर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स. अंडरलाइन दिस पॉइंट. पेंगुइन्स भी बहुत अच्छा तैरते हैं पानी में. देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स making them good swimmers. Other animals living in the polar regions are many types of fishes, musk oxen, reindeers, foxes, seals, whales and birds. It is to be noted that while fish can remain under cold water for a long time, birds must remain warm टू सर्वाइव, राइट. वहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं वो भी अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करेंगे, राइट. ठंडी में जो इतना बर्फ में रहते हैं, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन. जब विंटर शुरू होने वाला होता है तो उनको नेचुरली पता चल जाता है, उनके पास कोई घड़ी नहीं होती है या उनके पास कोई उनको जाके बोलता नहीं कि चलो अभी विंटर आने वाला है, चलो जाओ तुम यहाँ से दूर, राइट. तो अपना नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जिससे उनको पता चल जाता है कि अभी विंटर आने वाला है तो हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते बिकॉज यहाँ पे बहुत ठंडी होने वाली है. तब तो वो माइग्रेट करते हैं वार्मर जोन्स में. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन्स. साइबेरियन क्रेन्स जो है वो पोल्स से माइग्रेट करते हैं वार्मर कंट्रीज में एवरी विंटर में, राइट. हमारे यहाँ आते हैं वो. ये देखो साइबेरियन क्रेन का एग्जाम्पल दिया है आगे. यू कैन सर्च साइबेरियन क्रेन ऑन द इंटरनेट इन गूगल. यू कैन सी द पिक्चर. इट इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लेमिंगो लाइक क्रेन. क्रेन्स जो बोलते हैं वाइट कलर का होता है एंड इट हैज़ गॉट पिंक बीक, राइट. दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर. यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मेनी ऑफ दीज बर्ड्स. इंडिया में काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं. You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur. Bharatpur Life Sanctuary hai, Wildlife Sanctuary in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetlands of Northeast and some other parts of India, right? तो ये migrate करते हैं. Siberian cranes Siberia से India में आते हैं. They come to the Bharatpur Wildlife Sanctuary in Rajasthan for warm, to you know, for heat. ड्यूरिंग विंटर्स. ओके, ये देखो ये पिक्चर दिया है. माइग्रेटरी बर्ड्स इन देयर हैबिटेट, माइग्रेटरी बर्ड्स इन फ्लाइट, ये दिए हैं. दीज आर द साइबेरियन क्रेन्स, राइट. ओके, सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर्स टू एस्केप
द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट। 15,000 किलोमीटर दूर से वो लोग आते हैं, कंडीशंस एट होम, जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशंस अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय फ्लाइट मसल्स, राइट। उनकी बॉडी में से भी हीट जनरेट होती है जब वो अपने ये हिलाते हैं, फेदर्स हिलाते हैं, तो उसको एस्केप होने के लिए भी उनको जगह चाहिए। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रैवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल अ मिस्ट्री। वो कैसे उनको पता चलता है और कैसे वो जाते हैं कहाँ कुछ मैप लिए बिना, हमको तो, हम अगर प्लेन में जाते हैं तो प्लेन में मैप होता है, रडार होता है, जिससे हमको हमारा डेस्टिनेशन ऊपर से पता चलता है कि हमको यहाँ लैंड करना है या यहाँ से टेक ऑफ करना है, बट उनको कैसे पता चलता है ये आज तक किसी को मालूम नहीं है। नेचुरली दे आर गिफ्टेड बाय द वर्ल्ड, बाय द गॉड, राइट, कि उनको कहाँ जाना है वो उन्हें पता होता है। इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो in which direction to travel. Some birds probably use landmarks to guide them. Many birds may be guided by the sun during the day and the stars at night. There is some evidence that birds may use the magnetic field of the earth to find the direction. And it is not only birds that migrate. Mammals, many types of fish and insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable area climates, right? जहाँ पे क्लाइमेट आइदर बहुत ठंडा हो जाता है या बहुत गर्म हो जाता है, तो many birds, animals, insect happen to migrate. Now the tropical rainforest, हमने क्या किया, ये एकदम ठंडी वाला किया, cold climate में कैसे adaptations होते हैं वो हमने किया. Now we are doing tropical rainforest. Rainforest मतलब जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है. So let us study. The tropical region is generally a hot climate because of its location around the equator. Underline this. Because of its location around the equator. Equator के आसपास वाला region है. ये आपको मालूम होगा what is equator. ये SS में पढ़ा होगा आपने. First is Arctic Circle. Then comes the Tropic of Cancer. I think it is 23 degrees. Right? Then 0 degrees पे you have equator. Then comes the Tropic of Capricorn. Again 23 point something degrees, I don't remember the exact degrees, and then comes the Antarctic Circle, right? तो ये आपका SS में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे ऊपर है 66 degrees पे Arctic Circle है, right? बीच में ये इक्वेटोरियल लाइन, तो जो regions इक्वेटर पे पड़ते हैं वहाँ पे क्लाइमेट हॉट एंड वेट होता है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बारिश भी होती है. हमारी कंट्री में से इक्वेटर नहीं जाता, नीचे की तरफ है. हमारी कंट्री में से अहमदाबाद में से, अहमदाबाद इज द सेंटर, अहमदाबाद MP वो सब जगह से क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, राइट. ओके, नाउ लेट अस स्टडी फर्दर. Even the coldest month, even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 degrees Celsius. During hot summers, the temperature may cross 40 degrees Celsius. Days and nights are almost equal in length throughout the year. These regions get plenty of rainfall. An important feature of this region is the tropical rainforest. Tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam in India. Southeast Asia, Central America and Africa. Central Africa, underline this. An important feature of this region is a tropical rainforest. Tropical rainforests are found in Western Ghats, Assam in India, Southeast Asia, Central America and Central Africa. Because of the continuous warmth and rain, this region supports wide variety of plants and animals. The major types of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ये सारे एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, राइट. लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशंस ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट. क्या एडेप्टेशंस होते हैं हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में, वो अभी हम लोग करेंगे. द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर एंड अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स, राइट, एंड अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स. सिंस द नंबर्स आर लार्ज, देर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर. वो सारे एनिमल्स जो इस एरिया में रहते हैं, सब लोग कॉम्पीट करते हैं फूड एंड शेल्टर के लिए. हर किसी को खाना तो चाहिए और रहने के लिए जगह चाहिए. मेनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज.
रेड आइड फ्रॉग हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस देयर हैंड्स एंड फीट ग्रास्पिंग ब्रांचेस मतलब पकड़ने के लिए ब्रांचेस को पकड़ने के लिए लॉन्ग होते हैं उनके फिंगर्स हैंड्स एंड फीट राइट सो हियर यू कैन सी द मंकीज राइट दिस इज द रेड आइड फ्रॉग आंखें लाल लाल है देखो उसकी एंड ये वाला जो है दैट इज द मंकी इट हैज गॉट लॉन्ग नेल अ न्यू वर्ल्ड मंकी आर सच दैट दे कैन इजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस वो इतने लंबे क्यों होते हैं ताकि वो लोग एकदम से अच्छे से पकड़ पाए ब्रांचेस को एज देर इज कॉम्पिटिशन फॉर फूड सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ अ ऑफ द बर्ड टकन विच पजेसिज अ लॉन्ग लार्ज बीक दिस हेल्प्स अ टोकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट राइट उसकी वजह से क्या होता है क्या अडेप्टेशन है उसका स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ अ बर्ड टकन विच पजेसिज अ लॉन्ग लार्ज बीक लंबी बीक होती है उसको दिस हेल्प्स अ टकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक अगर उसके ऊपर वो बैठे जाएगा तो टूट जाएगी वो ब्रांच इट विल नॉट बी एबल टू सिट ऑन इट बट देन बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग बीक वो क्या करेगा अपनी बीक से ही वहाँ के फ्रूट्स को टच करता है और उसमें से वो फ्रूट्स खा लेता है उसको जरूरत नहीं पड़ती उसके ऊपर बैठने की राइट नहीं तो बैठने जाएगा तो उसकी वेट से वो टूट जाएगा मैनी ट्रॉपिकल जस्ट अंडरलाइन दिस टकन वाला स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ टकन बर्ड टकन विच पजेसिज अ लॉन्ग लार्ज बीक इट हेल्प्स द टकन टू रीच द फ्रूट्स एंड ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and a skin color which helps them to camouflage. Underline that. Camouflage, मैंने आपको बताया, camouflage, आपको best example is your garden lizard, जो काचिंडा जो बोलते हो ना आप गुजराती में, और गिरगिट जो बोलते हो, वो change करता है अपने colors. जो भी उसके surrounding में होता है, उसके हिसाब से वो green बन जाता है, blue हो जाता है, उसके body का color वो change करता है. दैट इज़ कॉल्ड कैमोफ्लेज कैमोफ्लेज मतलब वो उसको आजू बाजू के सराउंडिंग में छुपा देता है तो आपको पता नहीं चलता कि इधर काचिंडा है राइट दैट इज कॉल्ड कैमोफ्लेजिंग बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स इट दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रिडेटर्स फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स मतलब कौन सी है यहाँ पे लेपर्ड्स एंड इवन टाइगर इज अ कैट राइट तो ये सारे कैट्स हैं वो क्या है उनके बॉडी के ऊपर ऐसे सब पट्टे 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 होते हैं और ऐसा वीटिश बॉडी होता है उनका ऑरेंजिश कलर का बॉडी होता है वो भी उनको हेल्प करता है फॉर एग्जांपल बिग कैट्स लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग उनका हियरिंग बहुत सेंसिटिव होता है देखो टकन का दिया है आपको फोटो उसका बीक कितना लंबा है देखो और बड़ा बर्ड होता है तो इसका वेट नहीं बेर कर पाएगा वो जो वीक ब्रांचेस होती है वो तो अपनी बीक से वो निकाल लेता है लायन टेल्ड मकाउ ये मकाउ भी दिया है यहाँ मकाउ इज अ काइंड ऑफ मंकी राइट उसका टेल लायन जैसा हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग द लायन टेल्ड मकाउ ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप मतलब उसको दाढ़ी जैसा होता है राइट इसलिए उसको बियर्ड एप बोलते हैं Lives in the forest of Western Ghats. Underline karo isko. Lives in the forest of Western, in the rainforest of Western Ghats. Its most outstanding feature is the silver white mane. Silver white mane matlab uske gale ke aju baju mein jo hota hai, that is called mane. Hair, kafi sare lambe hair hote. Which surrounds the head from the cheeks down to its chin. It is a good climber and spends a major part of its life on the tree. It feeds on many fruit, mainly on fruits. It also eats seeds, young leaves, stems, flowers and birds. This beard ape also searches for insects under the bark of the trees. Since it is able to get sufficient food on the trees, it rarely comes down on the ground. Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. It has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable ways. It has adapted to the conditions of the rainforest in many remarkable ways. Look at its trunk. It uses its nose
बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ लॉन्ग सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल adapted to the conditions. यहाँ से underline करो, rainforest remarkable ways, look at the trunk. Trunk मतलब उसका जो वो nose होता है actually elephant का, right? उससे वो smell कर सकता है. Has strong sense of smell. The trunk is also used by it for picking up food. Moreover, its tusks are modified. Teeth, tusks मतलब दांत उसके लंबे लंबे जो होते हैं. These can tear the bark of trees the elephant loves to eat. So the elephant is able to handle the competition for food rather well. Large ears of the elephant helps it to hear even very soft sound. They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest, right? वो भी उसको help उसके hot and humid climate में उसको ये warm रहने में भी वो help करता है, right? So now what we studied, the lesson ends over here. We studied all these adaptations in animals, we studied different climates, and we studied tropical rainforests, we also studied the cold climate like in polar regions, right? All that adaptations uske kya kya hote hain wo humne padha. So we stop here now. ये जो मेन पॉइंट्स है दैट वी विल गो थ्रू एंड आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर्स कौन से मैं देने वाली हूँ और ये भी दे दूंगी मैं वर्कबुक में, राइट? सो स्टार्ट कॉपिंग इट. दिस लेसन इज देयर इन द एग्जाम दिस टाइम इन योर अक्टूबर टेस्ट, राइट? सो आई स्टॉप हियर टुडे. राइट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोटबुक.